हेलो गाइज, वेलकम बैक वंस अगेन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम हो कि हमने एक फ्रीलांसर करके फ्रिज स्टार्ट की है, तो दोस्तों उसका कल वीडियो नंबर एक हो गया था और आज ये दूसरा वीडियो है। ठीक है, अगर आपने अभी तक पहला वीडियो नहीं देखा तो इसका एक अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आप जाकर पहले वीडियो को वॉच कर सकते हैं। ठीक है, और हाँ, जो लोग चैनल पर पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। ठीक है, तो आपका पहला क्वेश्चन क्या रहेगा दोस्तों? तो पहला क्वेश्चन है कि VDRL टेस्ट किसका पता लगाने के लिए किया जाता है। तो इसमें से आपका राइट आंसर क्या होगा? कुष्ठ रोग, सिफिलिस, TB, डिप्थीरिया। तो इसमें से आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो रहेगा दोस्तों आपका क्या है? सिफिलिस। क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा क्या है? सिक टेस्ट परीक्षण किसके लिए किया जाता है? तो दोस्तों सिक टेस्ट परीक्षण किसके लिए करते हैं? TB के लिए कि डिप्थीरिया के लिए कि मीजल्स के लिए कि हैजा के लिए? तो आप लोग सिक टेस्ट किसके परीक्षण के लिए करते हैं? तो वो करते हैं आप लोग डिप्थीरिया के लिए। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है आपका? एलिजा टेस्ट किसके लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एड्स के लिए, मीजल्स के लिए, निवार्म के लिए कि इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? एड्स के लिए करते हैं। ठीक है, एलिजा टेस्ट। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है आपका? और दोस्तों हाँ, आप लोग अपना स्कोर जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, एल्डिहाइड परीक्षण किसका पता लगाने के लिए किया जाता है? तो एल्डिहाइड परीक्षण दोस्तों किसका पता लगाने के लिए? डायरिया के लिए कि TB के लिए कि कुष्ठ रोग के लिए कि हुकवार्म के लिए? तो एल्डिहाइड परीक्षण आपका किसके लिए होता है? तो एल्डिहाइड परीक्षण आपका होता है दोस्तों कुष्ठ रोग के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पाँचवा क्या है? क्वेश्चन नंबर पाँचवा, BCG का टीका किस रोग के रोकथाम में उपयोग में लाते हैं? TB के लिए, मलेरिया के लिए, पोलियो के लिए या पीत क्षार के लिए? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? TB के लिए BCG का टीका को उपयोग में लाते हैं। क्वेश्चन नंबर पाँचवा क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर छठा क्या है? निम्न में से संचारी रोग है? डिप्थीरिया, टिटनस, काली खांसी, खसरा, इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इनमें से कोई नहीं, संचारी रोग है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सातवां क्या है? निम्न में से लाइव एटोनेटेड वैक्सीन नहीं है, BCG, मीजल्स, पोलियो, रेबीज। तो आपको बताना है कि लाइव एटोनेटेड वैक्सीन नहीं है, तो इसमें से कौन सी नहीं है? तो रेबीज नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आठवां क्या है? क्वेश्चन नंबर आठवां है आपका, निम्न में से बिंदु संक्रमण वाले रोग हैं? TB, मीजल्स, काली खांसी, डिप्थीरिया के उपरोक्त सभी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नौवां, निम्न में से वेक्टर जनित रोग हैं? मलेरिया, फाइलेरिया, कालाजार, प्लेग या उपरोक्त सभी? तो इसका दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दसवां क्या है? बच्चों में नब्ज की गति प्रति मिनट चलती है, तो बच्चों में नब्ज की प्रति कितने मिनट में, एक मिनट में कितनी बार चलती है दोस्तों? 80 बार, 100 बार, 120 बार कि 140 बार? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? चलती है आपकी 100 बार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ग्यारहवा क्या है? श्वसन दर प्रति मिनट में होती है, एक मिनट में श्वसन दर कितनी होती है? तो 15 बार होती है कि 20 बार होती है कि 18 बार होती है कि 22 बार? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 18 बार होती है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 12 क्या हो? तो आप क्वेश्चन नंबर आपका 12 क्या है? प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में रक्त होता है 6 से 7 लीटर, 8 से 9 लीटर कि 4 से 5 लीटर कि 10 से 12 लीटर? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? तो इसका राइट आंसर होगा 6 से 7 लीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? जब गति प्रति मिनट 60 स्पंदन से कम हो जाती है तो उसको क्या कहते हैं? मतलब कि जब गति 60 स्पंदन से कम होती है तो उसको कहते हैं हम दोस्तों क्या कहते हैं? ब्रेडीकार्डिया। ठीक है, ब्रेडीकार्डिया। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 14 है, MMR का फुल फॉर्म
क्या होता है, मीजल्स होता है कि गलफुआ होता है कि रूबेला होता है कि ये सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, इनमें से सभी। एम से क्या होता है आपका, मीजल्स होता है, एम से मीजल्स, और एम से मम्स होता है, आर से रूबेला होता है। ठीक है, तो ये सभी इसके फुल फॉर्म होते हैं एमएमआर के। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 15, हेपेटाइटिस का टीका दिया जाता है। तो हेपेटाइटिस का टीका कहाँ दिया जाता है दोस्तों, इंट्राडर्मल में कि इंट्रामस्कुलर में कि चमड़ी के नीचे कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा इंट्रामस्कुलर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 16 है, पोलियो की पहली डोज कब दी जाती है, जन्म के समय पर दी जाती है कि 6 सप्ताह बाद कि 10 सप्ताह बाद कि 9 माह बाद। तो पोलियो की डोज तो दी जाती है पहली, तो पोलियो की पहली डोज जन्म के समय में दी जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है आपका, 17 है, लेप्टोस्पायरोसिस रोग का कारक एजेंट है। तो लेप्टोस्पायरोसिस इंटेरोगन की चलमेडिया की एचआईवी की इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, आपको लेप्टोस्पायरा इंटेरोगन। ठीक है, ये इसका आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, एसटीडी है, एसटीडी का मतलब क्या होता है फुल फॉर्म, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेज। ठीक है, तो इस क्या है, सिफिलिस, कैंक्रोइड, हार्पस जेनाइटस, वनाशिश, मतलब कि उपरोक्त सभी। तो एसटीडी कौन कौन से, तो ये सभी दोस्तों आपकी एसटीडी बीमारी हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है आपका, ट्रेकोमा पर नियंत्रण करने हेतु उपचार में दी जाने वाली दवाएं। तो कौन कौन से ट्रेकोमा में दवा दी जाती हैं, क्या कौन सी है, पहली इरिथ्रोमाइसिन की, डेफामाइसिन की, डिफेम्फिसिन, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम कब शुरू हुआ था, 1987 में, 1982 में कि 1980 में कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा 1987 में। दोस्तों आपको आज का वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हाँ जो लोग चैनल पे पहली बार हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।